दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्निकल संजू भ्रष्ट। आज के टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूं, ठीक है? वीडियो लास्ट तक देखना है। यदि आपके चैनल पे रिपीटेटिव कंटेंट का मैसेज आ रहा है, इसकी वजह से आपका चैनल डीमोनिटाइज हो जाता है, तो इसे कैसे चेक करें? आपको फिलहाल में कौन सी वीडियो डाला है, किस हिसाब से वीडियो डाला है जो रिपीटेटिव कंटेंट का मैसेज आया, आपका चैनल जो है डीमोनिटाइज हो गया, या इससे हमारा चैनल जो है डिलीट हो जाता है, इससे हम कैसे बचें, ठीक है? इस वीडियो में ये जानकारी आपके लिए बहुत सहयोग करेगी, आगे के लिए भी सहयोग करेगी। आज के टाइम पे ही नहीं, ये काफ़ी आगे तक जाएगा, और ये जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और ये मैसेज सभी के पास होना चाहिए। जितने क्रिएटर हैं सभी को जानकारी होना चाहिए, ठीक है? इससे रिपीटेटिव कंटेंट हमें कैसे मिलता है? तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्निकल संजू भ्रष्ट, ठीक है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करे। यदि नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आप जो है कहीं ना कहीं मिस करोगे हमें, बाद में ढूंढते फिरोगे। यदि आपके चैनल पे कोई दिक्कत आएगी, कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा, कॉपीराइट क्लेम आएगा, रिपीटेटिव कंटेंट का मैसेज आएगा, आपका चैनल डीमोनिटाइज कर दिया जाएगा, और आपका चैनल हो सके तो उड़ा दिया जाएगा, यानी डिलीट कर दिया जाएगा। इससे बचना चाहते हैं तो हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करके रख लेना। भाई साहब, मैंने 4 साल स्ट्रगल किया है, 4 साल की स्ट्रगल में पूरा आपको जानकारी देने वाला हूँ। भाई वही सक्सेस होता है जो शुरू से यानी गिरते हुए ऊपर तक आया हुआ हो, ठीक है? मैंने अपने इस चैनल पे बहुत गिरा, बहुत खड़ा हुआ, बहुत गिरा, बहुत खड़ा हुआ, संभला बहुत। भाई साहब यानी हर गलतियों से अवगत करा के यहाँ तक पहुँचा हूँ। मोनिटाइज हुआ कैसे हुआ, और रिपीटेटिव कंटेंट हमें कैसे मिला, उसका हमने क्या सॉल्यूशन निकाला, और वो वीडियो कैसे हमें रिपीटेटिव कंटेंट, कौन सा वीडियो था जिससे हमें रिपीटेटिव कंटेंट मिला। अगर आपको ऐसे कोई मैसेज आता है तो आपने फ़िलहाल में कुछ गलतियां की हुई होंगी, आपने खुद की वीडियो बनाया है, खुद का वॉइस ओवर किया है, सब कुछ किया है, लेकिन फिर भी आपके चैनल पर रिपीटेटिव कंटेंट आता है, तो उसकी बहुत सारी गलतियां होती है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो जो है लास्ट तक देखना। यदि आपने बिल्कुल भी ऐसी हड़बड़ी की और आप जो है हड़बड़ी के चक्कर में, जल्दी जल्दी के चक्कर में अपने चैनल पे चले गए, यहाँ से ड्रॉप करके, यहाँ से छोड़ के अपने चैनल पे जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी दिक्कत करने वाले हैं। जब तक वीडियो पूरी नहीं देख लेना आपको समझ में नहीं आने। भाई साहब, जब आप वीडियो बनाते हो, वीडियो बना के एडिटिंग करते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, ठीक है, आप वहाँ पे अपनी वीडियो को लेके जाते हो, और पीछे बैकग्राउंड जो होता है आपने उसे क्रिएट करके रखा है, 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट का पहले से ही बैकग्राउंड एक बना के रखा है, वही है रिपीटेटिव कंटेंट का मैसेज, ठीक है? आपको वही सॉन्ग, अगर किसी वीडियो में वही सॉन्ग बार बार रिपीट कर रहे हैं, अपने वीडियो में एक ही सॉन्ग बार बार रिपीट करना, एक ही बैकग्राउंड को बार बार रिपीट में लाना, अपनी वीडियो पे लाना, यही होता है, ठीक है? रिपीटेटिव कंटेंट यहीं से मिलता है आपको। आपने यदि कई सारी वीडियो बनाया, फिर 2-3 दिन में क्या किया, 10-12 वीडियो जो है एक ही म्यूजिक पे डाल दिया, हल्का म्यूजिक चाहिए डालते हो, वही म्यूजिक बार बार डाल रहे हैं अपने वीडियो पे, और वही जो है बैकग्राउंड अपने वीडियो पे बार बार यूज कर रहे हैं, ठीक है? फिलहाल में तो वहीं से जो है रिपीटेटिव कंटेंट मिल जाता है। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों के चैनल पे यही आया होगा, तो आप लोगों को मैसेज एक डालना होता है कि आप लोग प्लीज ऐसा दोबारा नहीं करना, नहीं तो नेक्स्ट टाइम पे आपका चैनल उड़ा दिया जाएगा। अभी अपील करने के लिए वीडियो मांगी जा रही, तो अपील करने का एक बना देना कि सॉरी मेरे से गलती हो गई, मुझे पता नहीं था, फलाना दिमाग का जो भी मन में आता है, 3 मिनट की वीडियो बनाना है, 5 मिनट से ऊपर जाना नहीं है, 3 मिनट के अंदर रहना है, ठीक है?
5 मिनट के ही अंदर रहना है, लेकिन हो सके तो 3 मिनट तक का वीडियो बनाओ कि मेरे से गलती हुई है, नेक्स्ट टाइम ऐसे गलती नहीं होगी, ऐसे अपील करके भेज देना है। ठीक है, आपको कुछ करना नहीं है। मैंने इस चैनल पे अपने अपील वाली वीडियो अपलोड करके रखी है, देख लेना मैंने कैसे भेजा था, उस हिसाब से आपको बना के रखना है और वही सेंड कर देना है। ठीक है, वो सेंड करते ही आपका रिपीटेटिव कंटेंट का जो यानी जिसकी वजह से आपका मोनेटाइजेशन हटा था वो वापस आ जाएगा। ठीक है, कैसे अपील करते हैं वो देख लेना, अपील करने का तरीका वो बताया है, और मेरे से वही अपील करने वाली वीडियो से मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो गया था। और रिपीटेटिव कंटेंट में क्या किया था मैंने, पीछे बैकग्राउंड जो दिखता है ना, बैकग्राउंड को मैं कई वीडियो में यूज किया था, 6-7 वीडियो में, 10-12 करीब आसपास था, तो वहीं से मैंने ढेर सारी वीडियो अपलोड किया था, बनाया था। लेकिन अब जब से समझ गया हूँ कि बैकग्राउंड से रिपीटेटिव कंटेंट आ जाता है और बार बार म्यूजिक, एक ही म्यूजिक को डालने से रिपीटेटिव कंटेंट आता है, तो ये गलतियाँ करना छोड़ दिया। ठीक है, यही मेन गलतियाँ होती है, तो प्लीज़ आप लोग जो है इन चीज़ों को ध्यान से यूज करना। यदि आप वीडियो बनाया है, नया वीडियो बनाया है, तो उस पर नया बैकग्राउंड यूज कर लो। ठीक है, नया बैकग्राउंड यूज करना, पुराना बैकग्राउंड यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। और जो आपने एक वीडियो में सॉन्ग यूज किया है, चाहे वो कोई भी हो, म्यूजिक है, सॉन्ग हो, तो उसे जो है रीयूज नहीं करना है अपनी वीडियो पे। ठीक है, और हाँ एक मैसेज और है, बहुत सारे लोग अभी क्या करते थे, छोटे छोटे पार्ट्स अपनी वीडियो में डालते थे, तो इनके लिए भी खतरा हो गया है भाई। YouTube दिन का दिन बहुत खतरनाक अपडेट लेके आ रहा है, तो आप लोग प्लीज़ YouTube के सारे रूल्स जब जान जाएंगे ना, आपका चैनल कभी दिक्कत नहीं होगा। आपको हमेशा YouTube की अपडेट क्या आ रही है, YouTube में रूल्स क्या आ रहे हैं, नए अपडेट क्या आ रहे हैं, इनको देखना चाहिए। यदि आप नहीं देखते हैं तो आपके चैनल पे दिक्कत आ जाती है, फिर बाद में आप जो है दूसरे के चैनल देखते फिरते हैं कि हमारे चैनल पे गलतियां क्या हुई। ठीक है, और किसी से भी मदद मांगोगे, मदद नहीं देता भाई साहब, आपको उसके पास जाना पड़ेगा, ऐसे मदद नहीं मिलती। मेरे चैनल पे जब रिपीटेटिव कंटेंट का मैसेज आया, मेरा चैनल जो है डीमोनिटाइज कर दिया गया, उस पर मैसेज आ गया कि आपका चैनल, अगर आपने अपील की वीडियो नहीं भेजी तो आपका चैनल जो है डिलीट कर दिया जाएगा या हमेशा के लिए डीमोनिटाइज कर दिया जाएगा। 2 मैसेज थे। अब मैं तो परेशान था, मैंने टेक्निकल योगी को हेल्प मांगा, टेक्निकल इसरार को हेल्प मांगा, मनोज डे को हेल्प मांगा, और टेक चैम्पियन से भी हेल्प मांगा, मैसेज किया, इन लोगों के नंबर तो हैं नहीं फिलहाल, इनके वीडियो पे मैं बार बार मैसेज कर रहा था, बट किसी ने जवाब नहीं दिया, तो खुद मैं मजबूर होके अपना एक अपील का वीडियो बनाया और उसे जो है अपलोड कर दिया। अनलिस्ट करके अपलोड करना है। ठीक है दोस्तों, अपील की वीडियो अनलिस्ट करके भेजनी चाहिए, वो भी 2 से 3 मिनट या 4 मिनट की वीडियो होनी चाहिए, ताकि कोई दिक्कत ना हो। अपील की वीडियो 3 मिनट से 4 मिनट की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करना है दोस्तों। और जो है अपनी गलतियाँ बता देना कि आइंदा हम गलती नहीं करेंगे, जो भी हुआ गलती माफ़ करना, ऐसे डाल के भेज देना है। ठीक है, और आपका चैनल का रिपीटेटिव कंटेंट का मैसेज जो है हट जाएगा आराम से। तो आप लोगों को ऐसे ही ध्यान से रखना है और अपनी वीडियो को कंटिन्यू बनाए रखना है, निराश नहीं होना है भाई, निराशा जो है आपके चैनल को दबा देती है। आप जहां डीमोनिटाइज हो जाते हैं, मोटिवेशन नहीं होते हैं, आपका मन नहीं करता वीडियो बनाने का कि यार हमारे चैनल पे बार बार यही दिक्कत आ रही है, बार बार कॉपीराइट स्ट्राइक का मैसेज आ रहा है, कॉपीराइट स्ट्राइक आ रही है, ये सब आ रहे हैं दुनिया भर के, तो इसके वजह से लोग जो है थोड़ा डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों को ऐसा नहीं होना है, और हो सके तो आप अपने साथ एक नया चैनल लेके चलो। ठीक है, एक नए 2-3 लेके चलो अलग अलग, जिस कैटेगरी में आपको जानकारी हो उसमें लेके चले। आपका जो है वीडियो जो है, अगर एक चैनल पे दिक्कत हो जाता है, माई चांस बंद भी हो जाता है, तो 2 चैनल आपके पास खड़े रहेंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपने एक चैनल के साथ
दो चैनल और दे के चल रहा है मेरे पास भी है। तो आप लोग जो है टेक 76 फैमिली है, टेक 76 फैमिली ये मेरा नया चैनल है, इस पे जाके जो है सपोर्ट करना प्लीज़। और एक है YouTube बादशाह टिप्स, यहाँ पर भी मैं कुछ अपडेट देता रहता हूँ बीच बीच में, इस पे भी जाके सपोर्ट करें प्लीज़ मेरे भाइयों। और आपको जो वीडियो की रिक्वायर है, जो आप देखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट कर देना। आप यार कमेंट करते नहीं हो, लाइक करते नहीं हो, यार कैसे मैं समझूं। और वीडियो को सब्सक्राइब कर लिया करो, आपके बहुत काम आऊँगा भाई साहब। आपके एक मैसेज पे मैं तुरंत आपके उस वीडियो को बनाऊँगा और उस पे क्या करना है, आपको कौन सा एक्शन लेना है वो भी बताऊँगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ हमें जो है लाइक सब्सक्राइब कर लिया करो, बहुत मदद मिलेगी। मैं किसी और की तरह नहीं हूँ कि आपको रिप्लाई नहीं दूँगा, मैसेज करूँगा, बताऊँगा, उसके बारे में वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टॉप करते हैं, बड़ी हो रही है, आप लोग बोर हो गए हैं।